पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा भिलाई नगर पुलिस अधीक्षक नासिर सिद्दीकी के मार्गदर्शन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को मुखबिर की सूचना पर एंटी क्राइम यूनिट की यूनिट तथा सुपेरा थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा व उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान सुपेरा रेलवे क्रॉसिंग इंडियन ब्रायलर दुकान के पीछे मोटरसाइकिल चालक राजा उर्फ अल्ताफ हुसैन सेक्टर 7 निवासी को घेराबंदी कर पकड़कर उसके पास से लगभग 19,000 रुपए कीमत का 1.5 किलो गांजा और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज मुखबिर से सूचना मिली थी सुबह के समय कि एक लड़का है जो एक R15 बाइक में कुछ अवैध मादक पदार्थ गांजा जैसा कुछ पदार्थ रखा है और बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग के पास पे टीम बनाकर भेजा गया था। तो टीम के द्वारा रेड करने पर लड़के को पकड़ा। लड़के का नाम जो है राजा उर्फ अल्ताफ हुसैन, ये सेक्टर 7 का रहने वाला है और पहले भी कई तरह की क्राइम में संलिप्त रह चुका है। इसके पास से जो एक बैग मिला था उसके बैग के अंदर जब चेक किए तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा था। NDPS के जो प्रावधान है उसका पालन करते हुए विधिसंगत कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध में 20B NDPS का मुकदमा दर्ज कर गांजा जब्त किया गया है। गांजा जो है 1 किलो 520 ग्राम के आसपास निकला है और कुछ नगद जो बिक्री रकम है वो जब्त की गई है और जो घटना में प्रयुक्त जो बाइक है R15 इसकी उसको जब्त की गई है। जब्त करने उपरांत पे वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जहाँ से वो जेल चला गया।